बारिश के मौसम में भजिया खाने का अलग ही मज़ा है और मुझे भजिया बनाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो आज मेरे घर में मैं स्प्राउट मूंग से टिकड़ी भजिया बनाऊंगी। अगर आपके पास स्प्राउट मूंग नहीं है तो आप छिलके वाली मूंग दाल को 2 घंटों के लिए भिगो के फिर उसको दरदरा सा क्रश करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भजिया खाने में थोड़े से मीठे, थोड़े से स्पाइसी, थोड़े से चटपटे ऐसे रहते हैं। अनियन ऐड करने से इसके अंदर एक सॉफ्टनेस भी रहती है और बाहर से ये क्रंची रहते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाने की शुरुआत कर देते हैं। तो पहले एक बड़े से बाउल में मैंने हाफ बाउल जितने स्प्राउट मूंग लिए हैं और वो स्प्राउट मूंग को मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है। उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के ऑनियन को फाइनली चॉप कर लिया है, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च और धनिया उसको भी चॉप करके लिया है, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून लौंग, काली मिर्च और बादिया उसको दरदरा सा कूट के लिया है और 2 टीस्पून चीनी लेना है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून बेसन ऐड करूंगी और इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूंगी। हम ये बैटर के अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे तो हम हाथ की मदद से उसको ऐसे बराबर मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए उसको रेस्ट देंगे और इसके बाद हम भजिया ऑयल में फ्राई करेंगे। ये टिकड़ी भजिया को हम ऑयल में 2 बार फ्राई करेंगे। तो पहले हम मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करेंगे, हल्का सा ही कलर चेंज हो उसके बाद उसको एक प्लेट में निकाल देंगे। और 5 मिनट उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आए उसके बाद उसको हल्के से ऐसे प्रेस करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। ये भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो इसी तरह मैं ये सारे भजिए को ऐसे प्रेस करती जाऊंगी और ऑयल में फ्राई करती जाऊंगी। ये भजिया बेसन की कड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है और उसका वीडियो मैंने पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, मेरे 4 इजी चटनी रेसिपी वीडियो में आप वो देख सकते हो। मैंने ये भजिया के अंदर बेकिंग सोडा या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं करा है। तो ये अब फ्राई करके रेडी हो चुके हैं तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल देती हूँ और इसी तरह मैं दूसरे सारे भजिए भी बना देती हूँ। अब ये सारे भजिया बन गए हैं तो मैं इसको एक सर्विंग प्लेट में ले लेती हूँ। सर्विंग प्लेट में लेते लेते ही मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स, तो मैं इसको चाय के साथ अभी सर्व करूँगी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपसे ये टिकड़ी भजिया कैसे बने हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।